Good morning, students. Today we will study from your book Move on Birds, section of poetry. And today we will study poetry number 6, which is Mother Tongue, written by Padma Sasdev. She was born in 1914 in Jammu Kashmir. And she writes in her mother tongue, Dogri and Hindi. And for her writing poetry, she received many awards, in which she received the Sahitya Academic Award at the age of 30 for the first collection of Dogri poems. And Sahitya Academic Award is the first, and the above poem, Mother Tongue, was originally written in Dogri language. It is translated in English and Hindi. And this Dogri language is basically from the native script Sharde, evolved means developed from the original Brahmi. जो कि ये Dogri language है, वो major जो main script है इसकी Sharde की, उससे developed होकर originally Brahmi से डेवलप की गई है अराउंड द टाइम ऑफ डोगरी डेवलप्ड एंड नाउ डोगरी लैंग्वेज इज रिप्लेस्ड बाय द पर्शियन स्क्रिप्ट. पर्शियन मींस उर्दू स्क्रिप्ट. नाउ डेज प्रेजेंटली जो भी लैंग्वेज लिखी जाती है, यूज की जाती है लैंग्वेज, प्रेजेंटली पर्शियन एंड देवनागरी. उर्दू एंड हिंदी आर यूज एट द प्लेस ऑफ डोगरी लैंग्वेज, which is language listed in Schedule 8 of the Constitution of India. और ये जो डोगरी लैंग्वेज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में भी अनुसूची 8 में लिस्ट की गई है. देन ऑल्सो इट इज लूजिंग इट्स बेस एंड नाउ इट इज डेवलप्ड इन उर्दू विद द हिंदी. बिफोर स्टार्टिंग द पोएट्री मदर टंग बाय पद्मा सचदेव, वी डिस्कस what is there in the poem. In this poem is a lament or a grief over the loss of mother tongue, and it describes about the contemporary life, that we all are busy in our contemporary life and we have lost our basic roots by doing activities in this current or contemporary life. Poetess जो हैं वो कहना चाह रही कि हम जो हैं अपनी contemporary life में इतना busy हो गए हैं that we have forgotten our basic languages. हम अपनी जो basic languages हैं उसे भूल गए हैं, और ये poetry उस पर एक lament और grief show कर रही है. इस पोएट्री में वो अपनी मदर टंग जो डोगरी है उसके लिए अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हैं. सो लेट्स स्टार्ट द पोएट्री मदर टंग. आई अप्रोच्ड अ स्टेम स्विंगिंग ऑन अ रीड एंड आस्किंग हिम टू गिव मी अ क्वेल. सो इन दिस पोएम द पोएट इज इमेजिनिंग द थिंग्स दैट इज टेलिंग दैट शी इज टेलिंग दैट शी हैज़ अप्रोच्ड अ स्टेम. वो एक ऐसे स्टेम पर पहुंची है दैट वॉज स्विंगिंग ऑन द रीड. स्विंगिंग मीन्स मूविंग, झूल रहा है वो ऑन अ रीड. रीड मीन्स इट वॉज अ लॉन्ग ग्रास. एक ऐसी ग्रास होती है जो कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखने के लिए यूज़ की जाती थी. एंड क्विल मीन्स क्विल इज एक ऐसी कलम होती है जो कि इंक में डिप करके लिखा जाता था. पहले के टाइम में हम देखते थे कि जो लोग होते थे वो है ना इंक में एक स्टिक को डिप करके उससे लिखा करते थे. सो द पोएट्रेस वॉन्ट्स टू टेल टू अस दैट शी इज इमेजिनिंग द थिंग दैट शी हैज़ अप्रोच्ड अ स्टेम which was swinging, which was moving on a reed. It was moving on a long grass and she asked him to give him a quill. और वो उनसे पूछती कि वो उन्हें एक quill दे दे. वो एक ऐसे स्टेम पे पास जाती हैं जो कि रीड पर स्विंग कर रहा है, और उनसे वो कहती हैं दैट टू गिव हिम अ क्विल, उन्हें एक कलम लिखने के लिए दे दे. Irritated, he said, I gave you one only the other day, a new one. What have you done with it? Are you some sort of an accountant with some sharp writing account books? Where you need a new
pen every other day, he asks. So when the poetess is asking to the stamp that to give him a quill, then he got irritated, and irritatingly वो reply कर रहे हैं. He is saying that he has given the quill another day. कि उन्होंने जो है पहले भी उन्हें वो एक कलम दी थी, उन्होंने क्विल दी थी, एंड नाउ अगेन शी हैज़ कम टू आस्क फॉर अ न्यू वन. व्हाट हैज़ शी हैज़ डन विद द प्रीवियस क्विल. तो वो जो स्टैम्प है वो इरिटेटेड होके उनसे कह रहा है कि उन्होंने पहले भी तो उनको कलम दी थी, अब फिर से उन्हें न्यू क्विल चाहिए, उन्होंने पहले वाले क्विल के साथ किया. आर यू सम सॉर्ट ऑफ एन अकाउंटेड विद सम शाह. क्या वो एक अकाउंटेंट है जो कि किसी मिस्टर शाह के लिए काम करते हैं, जो कि राइटिंग अकाउंट बुक्स और उसके उनके लिए राइटिंग बुक्स अकाउंट बुक्स लिखते हैं. वेयर यू नीड अ न्यू पेन एवरी अदर डे, ही आस्क, एंड व्हाई यू आर नीडिंग अगेन एंड अगेन न्यू पेन, एंड एवरी डे यू आर आस्किंग फॉर अ न्यू पेन. और वो तुम डेली न्यू पेन के लिए क्यों डिमांड करते हो. एवरी डे यू आर एस्किंग फॉर अ न्यू पेन. तुम किस लिए चाहिए, तुम किसी के अकाउंटेंट हो जिसके लिए काम करती हो. सो इट इज़ अ सरकाज़म, एक व्यंग है मॉडर्न लैंग्वेज में, दैट वी आर सो इन्वॉल्व विद द मॉडर्न लैंग्वेजेस दैट वी हैव फॉरगॉटन आर बेसिक लैंग्वेजेस, जो उनकी हमारी जो मदर टंग है उसे वो भूलते जा रहे हैं. और यहाँ पे बदमा जो सचदेव पोएट्रेस हैं वो अपनी मदर टंग डोगरी के लॉस होने के ऊपर लमेंट कर रही हैं, एंड जो स्टैम्प है उनसे यही कह रहा है कि तुम नई लैंग्वेजेस को यूज़ करने में इतनी बिजी हो गई हो कि तुम्हें बार बार नई नई कलम चाहिए, क्विल चाहिए नई नई लैंग्वेजेस यूज़ करने के लिए. वाई यू नीड दैट. आई सैड बट फॉर अ शानी, वेरी काइंड, वेरी वेल ऑफ, एंड आई एम नॉट द ओनली वर्किंग फॉर हर, शी हैज़ मैनी सर्वेंट्स एवर रेडी टू do her bidding. And now she is telling that no, she is not working for any Mr. Shah, she is working for a Shani. Shani is a, she is telling to the goddess mother tongue, जो उनकी जो mother tongue है उनकी goddess के लिए वो denote कर रही है. She is telling that she is working for Shani and it is very kind and very well behaved and very good in mannered, and I am not the only one working for her. And she is telling that she is not only the person for working for the Shani, working for the mother tongue, but many servants are working for her order. और बहुत सारे ऐसे servants हैं जो they are ready to do service at her bidding. Bidding means उनके जो order हैं उसके ऊपर बहुत सारे सर्वेंट्स उनके काम करने के लिए रेडी हैं. तो जो पोएटेस है वो अपनी मदर टंग को शानी से डिनोट कर रही हैं, एंड शी इज़ टेलिंग दैट शी इज़ नॉट ओनली द पर्सन बट मैनी अदर पर्सन आर डूइंग सर्विस एट हिज ऑर्डर. दैट शानी इज़ माई मदर टंग डॉगरी, एंड नाउ द पोएट इज़ टेलिंग दैट द शानी इज़ द मदर टंग ऑफ अ पोएटेस, एंड विच इज द मदर टंग इज़ डोगरी. और जो मदर टंग है उनकी वो कौन सी है, डोगरी है, जो लैंग्वेज उनकी डोगरी है. सो गिव मी अ क्विल क्विकली, शी मस्ट बी लुकिंग फॉर मी, द रीड कट ऑफ इट्स हैंड, गिव इट टू मी एंड सेड टेक इट, आई टू एम हर सर्वेंट. And when the quill listens that the poetess is the servant of the Shani, then it quickly cuts, quickly look at her. वो बहुत जल्दी से उनकी तरफ देखती है, and she cut off her reed. और वो अपनी जो reed है उसको cut off कर देती हैं, जो उनकी grass की जो लंबी grass है जिससे quill बनती है, जिससे लिखते हैं उसकी, वो उसको cut off करती हैं, and give it to the poetess and says that, वो poetess को दे देती हैं, and says that reed is also is the servant of, that quill is also the servant of the mother tongue Shani, which is डोगरी. और वो जो क्विल है वो कहती है कि मैं भी उसी की सर्वेंट हूँ जिसकी तुम हो, एंड आई एम ऑल्सो द सर्वेंट ऑफ द मदर टंग डोगरी. एंड सो इस तरह द पोएटेस वॉन्ट्स टू टेल
through this poem that we are losing our basic languages, mother tongue, from which we have born, जिसके अंदर हम born हुए हैं, जिसके अंदर हम पले पड़े हैं, we are forgetting that. और उन्हें आज की जो मदर टंग है उनमें उनके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं मिल रही है. दे आर नॉट गेटिंग एनी स्क्रिप्ट इन देयर मदर टंग डोगरी, जो कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 8 है उसमें भी लिस्टेड लैंग्वेज है. देन ऑल्सो वी आर नॉट गेटिंग सच अ लैंग्वेज. और आज जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो पर्शियन और देवनागरी का मिक्सचर है, जो उर्दू और हिंदी लैंग्वेज है उसका मिक्सचर है, उससे ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं. और ये जो डोगरी है वो डायलेक्ट बन के रह गई है. डायलेक्ट इज़ अ स्पीच, कोई भी ऐसी भाषा जो सिर्फ बोली जाती हैं, जिनके कोई अल्फ़ाबेट्स और स्क्रिप्ट नहीं होती. बाकी जैसे हिंदी जो लैंग्वेज है वो हिंदी लैंग्वेज है, और लैंग्वेज क्या होती है, जिसकी स्क्रिप्ट होती हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं. पर जो डोगरी है वो अब सिर्फ डायलेक्ट बन के रह गई है, स्पीच बन के रह गई है, उसकी कोई लैंग्वेज नहीं है, उसके कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं रह गए हैं. एंड पोएट्स वॉन्ट्स टू रीजनरेट दैट मदर टंग, वो दोबारा से उसे रीजनरेट करना चाहती है, डेवलप करना चाहती है, जिस डोगरी को, उस ओरिजिनल स्क्रिप्ट को खो चुके हैं, जो कि लैंग्वेज का बेस है, जिसके बेस पे सारी लैंग्वेजेस बनी हैं, उन्हें वापस से जनरेट करना चाहती है. सो दिस पोयम इज़ द लमेंट ओवर द ओल्ड लैंग्वेजेस वी आर फॉरगेटिंग. जो ये पोयम है, हमारी जो मदर टंग है, जो लैंग्वेजेस है, जो हमारे कल्चर में हमें सिम्बलाइज करती हैं, उसे हम भूलते जा रहे हैं, उसके ऊपर लमेंट है. और वो पोइट्रेस चाहती है कि हम ऐसी लैंग्वेज को दोबारा जनरेट करें, जो कि हमारा किसी भी लैंग्वेज का बेस है, हमारा बेस है. आज जो हम लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं वो मिक्सचर है, वो रियल लैंग्वेजेस नहीं है. आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड दिस पोइट्री.